सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार सब पढ़े सब बढ़े का नारा बुलंद करती है, लेकिन गया का गुरु नानक मध्य विद्यालय आज भी बुनियादी सुविधाओं से दूर है। यहाँ 400 लड़कियाँ पढ़ती हैं, लेकिन स्कूल में एक भी शौचालय नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है बिहार के गया का गुरु नानक मध्य विद्यालय, जो गया नगर निगम के अंतर्गत आता है। आखिर हम इस स्कूल की बात क्यों कर रहे हैं, ये जानने से पहले इस स्कूल की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। सरकार की बेहतर शिक्षा के दावों की पोल खोलने के लिए ये तस्वीरें काफी है। इस स्कूल में लगभग 600 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 400 लड़कियां हैं और 15 महिला स्टाफ हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस स्कूल में बच्चों के लिए एक भी शौचालय नहीं है। ऐसे में इस स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को किस परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप उनके जुबानी ही सुन लीजिए। यहाँ शौचालय नहीं है तो हम लोग को आस पड़ोस में जाना पड़ता है अपने दोस्त के घर। हम लोग का तो घर बहुत दूर है, बीच में हम लोग क्लास छोड़ना पड़ता है। इसी कारण तो करते शौचालय यहाँ बना दिया जाए। एक बार और सर आए थे 2 महीना पहले, तो ऐसे ही करके गए, लेकिन बना नहीं यहाँ। स्कूल प्रशासन की तरफ से भी कई बार इसकी जानकारी नगर निगम और शिक्षा विभाग को दी गई है। अफसर निरीक्षण के लिए भी आए, लेकिन हालात जस के तस हैं। यहाँ पर वार्ड पार्षद जीते हुए हैं, वो हमसे कहें कि सर हमारा विभाग से हो जाएगा, नगर निगम से। तो एप्लीकेशन दिया हम और वहाँ संपर्क भी किया जा करके, तब वो कमेटी कुछ हुआ, उसमें आवाज़ उठी है और वहाँ आवाज़ उठी है तो लोग कहें कि यहाँ से हो जाएगा, लेकिन देखिए अभी तक हुआ नहीं। एक तरफ स्कूल के प्रधानाध्यापक दावा कर रहे हैं कि स्कूल प्रशासन की तरफ से नगर निगम के अधिकारियों को कई बार शौचालय की समस्या के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन गया नगर निगम के मेयर बच्चों की समस्या से अब तक अनजान है। हालांकि अब उन्हें जानकारी हुई है तो अब स्कूल में शौचालय का काम शुरू कराने की बात कर रहे हैं। गुरु नानक स्कूल विद्यालय, इसके बारे में तो हमको जानकारी अभी नहीं हुई है, न ही स्कूल के माध्यम से हमको प्रिंसिपल महोदया जो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। अभी आपके माध्यम से मुझे यह प्राप्त हुआ है कि वहाँ शौचालय का स्थिति बहुत जर्जर है और दयनीय है। इसके लिए मैं खुद ही जाकर विजिट करके नगर निगम को आदेश दूंगा। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाकर घर घर शौचालय की बात करती है और खुले में शौच मुक्त गांव की लिस्ट बनाई जा रही है, लेकिन 400 बच्चियों वाले स्कूल में एक शौचालय नहीं होता। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े का नारा बुलंद किया जाता है, लेकिन स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के अभाव में सभी नारे खोखले नजर आ रहे हैं। अनमोल कुमार, गो न्यूज़।